से बहुत कुछ सीखना है टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए एक दादाजी एंगल मैं लाना चाहूंगा यहाँ आई एम थिंकिंग रॉन्ग बट मैं रैप सीन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू हाँ, और मैं कंप्लीटली इनसिंक नहीं हूँ रैप सीन के साथ हाँ, थोड़ा बहुत इनसिंकू बेस्ड ऑन द आई लिसन टू क्या आपके इंडस्ट्री में कोलेबोरेशन कम है

है बट आई फील थोड़ा सा लोगों को डर है एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करने का ऑल्सो कई जगह ईगो होती है कई जगह बहुत कुछ होता है ऐसे जो आता है मेरे लिए कोलेब्रेशन इज इफ आई फील के समी इज़ गुड ऑन दिस सॉग कि आई इमेजिन कि ये बंदा इस गाने पे होगा एंड यू विल ब्रिंग समथिंग टू इट तो आई एम विलिंग टू डू इट राइट

बट उसमें बहुत वियर्ड है कि ऊपर इतने हैं और नीचे इतने हैं आप समझ रहे हो टू ब्रेक आउट ऑफ दिस टू गो देर दैट इज द चैलेंज मतलब आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट बहुत सेगमेंटेड है ओके okay. एक टॉप लेवल लेयर है रैपर्स रैपर्स का rappers का दैट इज डूइंग द मेजर चंक ऑफ लाइव शोज ब्रांड वॉट एवर एंड देन उसके नीचे एक ऐसा लेवल है जो कुछ भी नहीं कर रहा है like, saying, कुछ भी नहीं कर रहा है आई मीन लाइक दे आर नॉट ऑन टूअर ऑल द टाइम दे आर नॉट भाई बाहर सिस्टम ऐसा है कि यू कैन बी और लोअर लेवल रैपर एंड यू कैन टूअर द इंटायर कंट्री क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ओल्ड है बिल्कुल और और लोग उधर ना छोटा छोटा जो है वहाँ छोटे छोटे फैन बेसिस बन सकते हैं इंडिया में छोटे छोटे फैन बेसिस बनते नहीं है ओके okay. एटलीस्ट अभी नहीं बनते बिकॉज मेरे को लगता है वो नंबर्स नहीं है इतने कब बनेंगे अब वो तो लाइक आई वुड से नेक्स्ट मे बी फाइव सिक्स इयर्स ओके टू गेट टू दैट पॉइंट ओके जब ड्रेक और जे कोल कोलेबरेट करता तो सारे फैंस को मजा आता है आई वुड अज्यूम द सेम थिंग फॉर यू गाइज

जो आप कह रहे हो कि टॉप लेयर छोटा हाँ, है द हाँ, तो बेसिक लॉजिक इज आप लोग एक सेम पाए के लिए कम्पीट कर रहे हो विच इज हाँ बट वो अलग है आई थिंक वो दैट इज नॉट द रीजन के कोलेबरेशन नहीं होती ईगो इज द रीजन हाँ मेरे को नहीं लगता कि इसलिए है कि अच्छा मैं कलेबरेशन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा शहर चला जाएगा या, ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं लोग बुरा बुरा मतलब छोटी-छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं मेरे को लगता है इंडिया में एंड आई थिंक वो सारी चीजें दो वो प्ले में आ जाती हैं ओके okay. बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमई e. आपके राइवल है बट इफ एमई कम्स अप टू यू चलो कोलैबोरेट करते आप hmm. कर लोगे नहीं क्यों नहीं आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली अब मतलब वो

तो अनलेस हाँ, इट्स के भाई रैप में रैप की बात हो रही है देन कोई डिस कर रहा है देन यू गेट इरिटेटेड दैट्स डिफरेंट बट अगेन आई टोल्ड यू के मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता मैं देखता ही नहीं तो कटिंग ऑफ हाँ. शायद क्योंकि ये आपका ही आर्ट फॉर्म है तो जब आर्ट फॉर्म के थ्रू कोई अटैक करता है वो शायद आपका एक ट्रिगर है मे क्योंकि दैट्स हाउ आई ग्रू अप आई ग्रू अप ंग दैट के रैप कम्पटिटिव है एंड यू हैव टू बी द शार्पेस्ट टूल है इनबिल्ट है और वो जो रियल रैपर्स है वो सब में है जितने जितने भाई भाई बोले एक दूसरे को साथ भी होगे ना तो उतना तो है ही उतना कम्पेटिटिव एज और वो सब है सब में है

रफ्तार इज लाइक अ ब्रदर वी आर यू नो सेम लेबर एवरी थिंग यू नो हम कितने सालों से अब साथ काम कर रहे हैं सो दैट दैट इक्वेजन इज़ टोटली डिफरेंट समि मैं डिवाइन को बहुत पहले से जानता हूँ uh, जब डिवाइन वॉज प्रॉब्ली मच यंगर उसके साथ मेरा बिल्कुल अलग इक्वेजन है एंड उसके साथ वी शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर हिप हॉप एन ओवर जस्ट यू नो द्यूज टू एंड तो उसके साथ अलग है बादशाह भाई के साथ अलग है आ, सीधे मौत के साथ अलग है सबके साथ मेरा अलग इक्वेजन है एंड आई थिंक आई डों आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको मेरे साथ क्या वाइव लगती है और क्या होता है बट आई वुड से सबको सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी ही मिलती है मुझसे वु यू लाइक मी टू टेल यू की लोग जनरली आपके बारे में क्या सोचते हैं वेरी जनरल नॉट इवन फैंस क्योंकि अगर कोई आपके फैन से पूछे तो इट्स वेरी स्पेसिफिक आपके लिरिक्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, like बहुत है और जनरली डीप लिरिक्स हार्ट जो आपने कहा कि जब आप सॉन्ग्स लिखते हो इट्स जस्ट यू आई वु जस्ट याइफ एक्सपीरियंस

इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है या वो दैट वुड बी माई आंसर माई आंसर वुड नॉट बी के अच्छा ये गाने पर उन्होंने ये मेलेडी अच्छी बना लेते हैं बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक के कोई पूछ रहा है तो जबरदस्ती वाला आंसर है यू नो दैट्स इंडस्ट्री टॉक ओके ओके जो आप मानते हो कि दिस इज अर्फिस मे बी फॉर अ रेप आप लिरिक्स को बहुत फंक्शनली देख रहे हो ऑलमोस्ट और इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब नहीं, ये है इसका कोई मीनिंग नहीं है नॉट दैट मेरा मतलब है है कि ये पहली चीज़ है जो कोई बोलेगा राइट बट जब कोई किसी को अच्छी तरह जानता है देन यू वुड कॉमेंट ऑन वो कैसे हैं एज अ पर्सन एज अलिटी राइट सिर्फ आपके ब्रांड के बारे में अब लोग जान रहे कि आप कैसे हो। हाँ, I mean, I don't know, कितना कितना जानते जानते। हैं अभी तो नहीं जानते है। नहीं है। है, है एक एक दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए ग्रो करते रहिए ないほどね。<music> <music>